नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को जांजगीर चांपा जिला के बलौदा थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले का आरोपी सुख सागर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुख सागर घटना करने के बाद से फरार होकर कभी जम्मू कश्मीर तो कभी दिल्ली में छिप कर रह रहा था। 21 नवंबर 2021 को पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर आरोपी युवक सुख सागर सूर्यवंशी अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया था और वहां पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा। बाद में शादी से मुकर गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सुख सागर सूर्यवंशी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड विधान और 6 पास को एक्ट पंजीबद्ध किया था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी युवक अलग अलग राज्यों में लुक छिप रहा था और अपना मोबाइल भी बंद कर रखा था। आज पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने दोस्तों से मिलने के लिए बिलासपुर आ रहा है, जिस पर तत्काल बलौदा पुलिस रेलवे स्टेशन बिलासपुर पहुंची और आरोपी सुख सागर सूर्यवंशी को स्टेशन के बाहर घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने जुर्म करना स्वीकार किया है। आरोपी युवक बलौदा थाना क्षेत्र के नवगावा गांव का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक गोपाल सतपति, आरक्षक श्याम राठौर, संतोष रात्रे और लखेश विश्वकर्मा का योगदान रहा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।